हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनसेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, बात करेंगे एएम आदेश यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल ने 2023 के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है हॉस्टल वार्डन के लिए और टीजीटी पोस्ट के लिए। दोस्तों, बात करेंगे मोबाइल के माध्यम से फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाई स्टेप आपको करके दिखाएंगे। उसके पहले दोस्तों कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। दोस्तों, अगर फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे फीस दिया हुआ है टीजीटी पोस्ट के लिए जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं 1500 रुपये उनका फीस है, और एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनका 0 पैसे फीस है। और वही हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1000 फीस है और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप विद्यार्थियों का 0 पैसे फीस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे पोस्ट, जैसे 6329 पोस्ट आपका दिख रहा है टोटल, और इसमें जो है कि टीजीटी का पोस्ट है 5660 और हॉस्टल वार्डन का 669 पोस्ट है। तो दोस्तों, हॉस्टल वार्डन का जो है आप योग्यता बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अधिक देर न करते आपको ले चलते हैं फॉर्म फिलअप के प्रोसेस पे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा कैसे फॉर्म को फिल करना है। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये EMRS का ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे हम जो है कि फॉर्म को फिल करेंगे। दोस्तों, मोबाइल से फॉर्म को फिल करते हो, सबसे पहले यहाँ टिन डॉट दिखेगा, सिंपल इस पर क्लिक करिए। यहाँ से डेस्कटॉप साइट आपको दिखेगा, सिंपल इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट मोड पे कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा आपको। उसके बाद कुछ बुलेटिन इस प्रकार से दिखाई देगा, इसको आप पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद। उसके बाद दोस्तों, आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल्स में, यहाँ पे कैंडिडेट नेम में अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम लिख देंगे, यहाँ पे मदर्स नेम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, उसे आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल हैं फीमेल हैं उसे चूज़ करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, आपके पास जो भी आईडी है उसको आप ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड शो नहीं कर रहा है, तो आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का आपको डिटेल्स मिलेगा, यहाँ पर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर में आप जो है कि अपने विलेज का नाम लिख देंगे, सब लोकेलिटी में आप विलेज का नाम और लोकेलिटी में यहाँ पे ज़िले का नाम लिख देंगे। उसके बाद कंट्री में यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप यूपी से हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए यूपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर वाराणसी लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वाराणसी आ गया, वाराणसी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड को यहाँ फिल कर देंगे, पिन कोड को फिल करने के बाद ईमेल एड्रेस मिलेगा आपको, ईमेल आईडी अपना यहाँ पे डाल देंगे। कंफर्म ईमेल एड्रेस में दोबारा से ईमेल आईडी को फिल करेंगे, मोबाइल नंबर मिलेगा आपको, मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। उसके बाद यदि ऊपर का आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे आप, तो ये आपका जो है कि इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा परमानेंट एड्रेस में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर चूज पासवर्ड है, यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेंगे आप। एक पासवर्ड कैसे बनाना है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप उसी प्रकार से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से अपना पासवर्ड को फिल कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, जैसे हुआ विच इज़ योर फेवरेट बुक, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने पसंदीदा बुक का नाम लिख देंगे। उसके बाद इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ दोस्तों अपना हम हर चीज़ फिल कर लें, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे, पेज इस प्रकार से कुछ लोड लेगा, ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सबको एक बार चेक कर लेंगे और सब पे टिक लगा देंगे। अगर सही होगा सब पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेड पे दिख रहा है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं यदि कुछ गलती हुआ है तो। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे। यस करेंगे, यहाँ देखिए जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक OTP आएगा, OTP आ भी गया, उसको यहाँ पे फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यहाँ दोस्तों अपने OTP को फिल करके हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पेज इस प्रकार से लोड ले लेगा। उसके बाद देखेंगे आपका नाम, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ से इतना सारा आपका इनकम्प्लीट दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, तो क्या करेंगे यहाँ पर्सनल डिटेल्स पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से शो करेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब होने के बाद आप यहाँ से नेशनलिटी में क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना आप इंडियन पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद दिया है आर यू पर्सन ऑर्डिनरी, जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं, तो यस और नो में जवाब देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी चूज़ कर लेंगे अपना, एस सी है, एस टी है, जो है उसको चूज़ करेंगे। फिर दिया है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांगता आप में है तो यस और नो में जवाब देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको मिलेगा आर यू ए पर्सन विथ डिसबिलिटी स्क्राइब रिटिंग ड्यूरेशन, आप टाइमिंग चाहते हैं, रिजेक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस नो में जवाब देंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मिलेगा आपको डू यू हैव 3 ईयर्स कॉन्टीन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 3 साल से जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो यस और नो में यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद आर यू वेयर यू सर्विंग यस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यदि आप इसमें जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यस नो में जवाब देंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आपका सिंगल है, मैरिड है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पॉपअप आएगा, यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको अगले ऑप्शन पे लेके जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हॉस्टल वार्डन आपको यहाँ पे पोस्ट का दिख जाएगा आपका जो अप्लाई किए हैं आप। उसके बाद यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम, यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देंगे, सेंटर चूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको लखनऊ सेंटर मिलेगा, इसके अलावा कोई और सेंटर नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा स्टेट यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, आपको कौन सा स्टेट जो भी नज़दीक में होगा उसको सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको पटना सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार दोस्तों आप जो है सबको सिलेक्ट कर लेंगे, अपना 4 सेंटर है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखेगा आपको रीजनल लैंग्वेज टू बी ऑप्टेड फॉर द पार्ट वी आई, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कौन से मतलब लैंग्वेज पे आप जो है कि जानते हैं, इसमें से हिंदी जानते हैं तो हिंदी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों कैप्चा को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से पॉपअप आएगा, यस कर देंगे। यस करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे यहाँ पे अपना डिटेल्स पे आ जाएंगे, यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना है, कक्षा 10 यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पास हैं, यहाँ से पासिंग ईयर पूछ रहा है, किस सन में आप पास किए हैं तो उसको लिख देंगे, जिस सन में भी पास किए होंगे। उसके बाद यहाँ से दिया हुआ है कोर्स स्ट्रीम नेम, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे कक्षा 10। उसके बाद यहाँ दिया है यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, यहाँ से जो भी आपका बोर्ड होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड होगा। बोर्ड सिलेक्ट के बाद यहाँ पे पूछा है रिजल्ट मोड, मोड पे क्लिक करेंगे, आपका परसेंटेज या CGPA है तो जो भी है उस पर सिलेक्ट करेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखेंगे टोटल मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स में अपना भर देंगे, 600 नंबर का होता है हाई स्कूल, ऑप्टेन मार्क्स में कितना पाए हैं उसको भर देंगे आप, यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कक्षा 12 का डिटेल्स भी उसी प्रकार से देना है आपको, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स भी उसी प्रकार से दे देंगे। उसके बाद इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ दोस्तों अपना हम एजुकेशनल डिटेल्स को फिल कर लें, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, फिर पॉपअप आएगा, यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिल जाएगा अपलोडिंग का, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपका 10 से लेके 200 KB के बीच का होना चाहिए फोटोग्राफ, और सिग्नेचर 4 से लेके 30 KB के बीच का होना चाहिए। दोस्तों मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मोबाइल के माध्यम से कैसे रिसाइज करना है फ़ोटो सिग्नेचर को। यदि दोस्तों आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे ईमेल पे अपना फ़ोटो सिग्नेचर भेजेंगे, मैं रिसाइज करके आपके मेल पे भेज दूँगा, आप आसानीपूर्वक इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं।
उसके बाद दोस्तों इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ एंटर कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, पॉपअप आएगा, यस कर देंगे। यस करते ही आपको अगले चरण पे लेके जाएगा, यहाँ से रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स दिख जाएगा। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, सब सही है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है इसमें, एक बार सब अपना देख लेंगे आप, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा माई नेम, सब पढ़ने के बाद सब पे चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे, यदि कोई गलती नहीं होता है तो सभी पे चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कोई पॉपअप आएगा, यस करेंगे। यस करते ही वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ईमेल आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, ईमेल अपना वेरीफाई करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे दोस्तों, कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी पिन मैच, आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करना होगा। ठीक है, वेट करते हैं आता है कि नहीं, अभी तो आया तो नहीं है अभी तक। यहाँ दोस्तों ओटीपी को हम फिल कर लें, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो गया, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाई सक्सेसफुली। उसके बाद गो टू होम पेज पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखेंगे रिव्यू पेज दिखाई देगा, फिर से इसको चेक कर लेंगे एक बार सब सही है या नहीं। उसके बाद माई नेम सब पे चेकबॉक्स पे दोबारा से टिक करेंगे। टिक करने के बाद दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, यस करेंगे। यस करते ही आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों हमारा सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके अपने मोबाइल में इसको आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से डाउनलोड नहीं हो पाया, दोबारा से लॉगिन करके इसको आप डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों।